हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आप सभी ने, जिन्होंने भी TGT या PGT का एग्ज़ाम दिया होगा MRS का, अब सभी को कन्फ्यूजन यही है कि क्या कट ऑफ जाएगी, कितने क्वेश्चन सही होंगे, हमारा जनरल इंग्लिश का पार्ट सही होगा या नहीं होगा, या जनरल हिंदी में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सभी के मन में, और इसी सब क्वेश्चंस के लिए सभी के सब कुछ ना कुछ वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि MRS का एग्ज़ाम हो चुका है। तो सबको यही है कि अब कितने नंबर आएंगे, क्या कट ऑफ जाएगी, ज़्यादा जाएगी या बहुत कम जाएगी। तो इन्हीं सब की बात करते हुए वीडियोस पे वीडियोस हम देखे जा रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं काफ़ी हाई कट ऑफ जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं 120 में से 90 जाएगी या 85 प्लस जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि 70 80 जाएगी। तो हर चैनल का अलग अलग रिव्यू आ रहा है, तो इतनी जल्दी कोई भी कट ऑफ के बारे में कुछ नहीं कह सकता है। मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिया है, मैंने TGT मैथ्स का एग्ज़ाम दिया है और साथ ही PGT मैथ्स का एग्ज़ाम भी दिया है। PGT मैथ्स काफ़ी टफ था, TGT मैथ्स मॉडरेट पेपर था। तो ये सबके अलग अलग राय हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए अब आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि EMRS की क्या कट ऑफ जाएगी, क्योंकि आधा टाइम हमारा अब 2-4 दिन निकल जाएंगे कट ऑफ के वीडियोस देखने में, और उसके बाद हमारे कुछ दिन निकल जाएंगे कि जब अब आंसर की आएगी तो आंसर की को देखने में, और उसके बाद रिवाइज्ड आंसर की आएगी, फिर उसके ऊपर उसको देखने में। तो ऐसे करते करते हमारे सारे दिन निकल जाएंगे। तो इससे बेटर है, क्योंकि आप कितना भी वीडियोस देख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जो होना है वही होगा, कट ऑफ जितनी आनी है उतनी ही आएगी, ना वो कम होगी ना ज़्यादा होगी आपके वीडियोस देखने से। जैसा आपने पेपर कर दिया है वैसा ही रहेगा। आप बार बार अलग अलग साइट में जाके अगर चेक करेंगे तो सबके आंसर्स अलग अलग हैं। जनरल इंग्लिश में भी आंसर कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो क्योंकि मैं खुद देख रही थी तो मैंने यही सोचा कि इससे कुछ फ़ायदा तो होने वाले नहीं है, जब आंसर की आएगी तब आएगी, वही एक्चुअल होगी, वही मानी जाएगी, कोई कुछ भी कहे। तो इससे बेटर है कि आप ये सब छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आगे आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारी वैकेंसीज आती है। अभी DSSB की वैकेंसी भी आएगी, TGT PGT और PGT की तो हो भी गई है, मतलब आ भी गई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसलिए अब ये सब छोड़िए, वीडियोस देखना, फिर आंसर की देखना, फिर आपका पूरा जनवरी का मंथ इसी में चले जाना है। अब आंसर की आई है, अब रिवाइज्ड आंसर की आई है, तो बहुत टेंशन हो जाती है। इससे बेटर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया हो या बेकार गया हो, कैसा भी गया हो, आपका सिलेक्शन हो या ना हो, ये सबको पता है कि हाई ही कट ऑफ जा सकती है, चांसेस यही हैं, क्योंकि इसमें इंटरव्यू भी नहीं है। तो ये सब छोड़ के अब आप DSSB की तैयारी कीजिए। अगर आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा भी गया है, हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो हमें अपकमिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें मैं आपको कट ऑफ बताऊँगी, तो कट ऑफ बता के ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं है। हज़ारों वीडियोज़ पड़ी हैं, लोगों ने बहुत सारी वीडियोज़ बना दी हैं कट ऑफ वगैरह। हाँ, ये है कि PGT का मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि थोड़ी कम ही जाएगी, क्योंकि काफ़ी टफ पेपर था, और TGT का मॉडरेट पेपर था, बहुत आसान भी नहीं था, बहुत टफ भी नहीं था, तो उसकी अच्छी जाएगी कट ऑफ। और इंटरव्यू नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि हाई कट ऑफ ही जानी है। तो ये सब छोड़ के अब आपने अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। आपके DSSB के एग्ज़ाम्स आएंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं ड्यू टू इलेक्शन, तो उनकी तैयारी कीजिए। बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं खुद अब, बस कल मेरा TGT का एग्ज़ाम हुआ है, आज मैंने एक दिन का रेस्ट ले लिया, मैं कल से अपनी DSSB की तैयारी शुरू करूँगी, कि जिससे चाहे कुछ भी हो हम अपनी मेहनत पूरी रखेंगे, हो ना हो बात की बात है, बट मेहनत हमें पूरी करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।